हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का करंट अफेयर्स फंडा में स्वागत है। आज हम बैंकिंग से रिलेटेड एटीएम और चेक्स के बारे में जानेंगे। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे एटीएम की हिस्ट्री के बारे में और चेक की हिस्ट्री के बारे में। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस वीडियो का एजेंडा क्या है। देखिए, आज की वीडियो में हम एटीएम की हिस्ट्री को जानेंगे, एटीएम क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, और जो डिफरेंट टाइप्स के एटीएम होते हैं उन्हें भी जानेंगे, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस फॉर्म हो जाते हैं। एटीएम के बाद हम चेक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को जानेंगे और डिफरेंट टाइप्स के चेक्स को जानेंगे। एंड ऑफ द वीडियो हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप अवेयर हो सके एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एटीएम के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे एटीएम के बारे में सबसे पहले हमें इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। एटीएम की फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है कि एटीएम की फुल फॉर्म क्या है। देखिए, एटीएम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसके थ्रू फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। अब देखिए, कौन सी सर्विसेज, जैसे कैश विड्रॉल हो गया, डिपॉजिट हो गया, फंड ट्रांसफर हो गया, या फिर अपने अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाना हो गया, ये सब एटीएम के थ्रू सर्विस प्रोवाइड की जाती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एटीएम की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, जब पहले क्या होता था, जब एटीएम नहीं थे, अगर किसी कस्टमर को फंड्स की जरूरत है तो वो एक बैंक से जाके कैश विड्रॉल करता था। अब बैंक एक फिक्स टाइम के लिए ओपन होता है, जैसे 9 to 5। उसके बाद अगर किसी कस्टमर को फंड की जरूरत है तो वो अपनी कैश की नीड को कैसे पूरा करेगा, तो उस नीड को पूरा करने के लिए एटीएम डिवाइस को बनाया गया। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इंडिया में सबसे पहला एटीएम कौन से बैंक ने इंट्रोड्यूस किया। तो देखिए, सबसे पहला एटीएम एचएसबीसी मतलब द हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 1987 में। और कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, मुंबई में। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि पहला एटीएम इंडिया में कहाँ पे और किसने इंट्रोड्यूस किया गया। अब बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड में सबसे पहला एटीएम कब इंट्रोड्यूस हुआ। देखिए, अगर हम एटीएम की बात करें तो एटीएम 1960 सेंचुरी में बना था। अब कब पहला, सबसे पहला एटीएम 1967 में बार्कलेज बैंक ने बनाया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। तो अगर पूछा जाता है कि वर्ल्ड में सबसे पहला एटीएम कौन से बैंक ने इंट्रोड्यूस किया था, तो बार्कलेज बैंक ने इंट्रोड्यूस किया था। चलिए फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम डिफरेंट टाइप्स के एटीएम को जान लेते हैं कि कौन कौन से एटीएम्स होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम वाइट लेवल एटीएम को जानेंगे कि वाइट लेवल एटीएम क्या होता है। देखिए, ऐसे एटीएम जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, तो उन एटीएम को हम वाइट लेवल एटीएम कहेंगे। अब एनबीएफसी क्या होता है, इसे हम अपकमिंग वीडियो में डिटेल में जानेंगे। देखिए, ये एक ऐसी कंपनी होती है जिसे कंपनी एक्ट 2013 के थ्रू लाइसेंस प्राप्त होता है। तो ये हो जाएंगी एनबीएफसीज। अब एनबीएफसी को जो आरबीआई है वो लाइसेंस देता है कि आप क्या कर सकते हैं, एटीएम की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। अब कौन सी एनबीएफसीज एटीएम्स को खोल सकती हैं। देखिए, ऐसी एनबीएफसीज जिनकी नेटवर्थ 100 करोड़ से ज़्यादा हो, केवल वही अप्लाई कर सकती है एटीएम के नियम। अब यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर अपने डेबिट कार्ड से क्या कर सकते हैं, एटीएम में जाकर पैसे विड्रॉल या जमा कर सकते हैं। अब इस सर्विस के नियम, जो जिस भी कंपनी द्वारा, जिस भी एनबीएफसी द्वारा एटीएम खोला जा रहा है, वो कंपनी कुछ फी चार्ज करती है। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कौन, देखिए, सबसे पहला वाइट लेवल एटीएम टाटा कंपनी ने खोला था। अब किस ब्रांड नेम के साथ खोला था, इंडिकैश के द्वारा। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी है इंडिकैश एटीएम। तो सबसे पहला वाइट लेवल एटीएम था इंडिकैश एटीएम, और किसके द्वारा खोला गया था, टाटा के द्वारा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हम ब्राउन एटीएम के बारे में जानते हैं कि ब्राउन लेवल एटीएम क्या होता है। देखिए, ये एक ऐसा एटीएम होता है जो क्या होता है, बैंक किसी थर्ड पार्टी से कहती है कि आप इसे चलाइए, मतलब आप इसे ओपन कीजिए। अब लेकिन इस पे जो ऑपरेशन ऑपरेट करता है वो ऑपरेट बैंक के द्वारा किया जाता है, जैसे कि जो भी कैश से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, कनेक्टिविटी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी बैंक के द्वारा की जाएंगी। लेकिन बस जो खोला किसके द्वारा जाएगा, किसी भी थर्ड पार्टी के द्वारा। ओके, ये होता है ब्राउन लेवल एटीएम। चलिए नेक्स्ट ऑनलाइन एटीएम के बारे में जान लेते हैं कि ऑनलाइन एटीएम होता क्या है। देखिए, ऐसे एटीएम जिसका डाटाबेस 24 घंटे बैंक के साथ अटैच रहता है, अगर आप कुछ भी जाके बैंक से जाके पैसा निकालेंगी तो तुरंत
जो भी बैंक है वो अपने आपकी जो भी अकाउंट है उससे डिडक्ट कर देगा, या फिर आप जमा करेंगी तो हाथ के हाथ आपके अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। देखिए आजकल यही वाले ऑनलाइन एटीएम ही होते हैं, आप जब भी अपने बैंक से रुपए निकालते हैं तो तुरंत आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं। अब हम ऑफलाइन एटीएम की बात करते हैं। देखिए इस टाइप के एटीएम होते हैं, ये बैंक से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होते हैं। इन एटीएम में कुछ लिमिट होती है, फिक्स लिमिट कर दी जाती है कि आप इस एटीएम से जाकर इतने रुपीस विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये होते हैं ऑफलाइन एटीएम। चलिए आगे आगे हम ऑन साइट एटीएम और ऑफ साइट एटीएम के बारे में जान लेते हैं। ऑन साइट एटीएम के बारे में जान लेते हैं। देखिए ऑन साइट एटीएम वो होते हैं जो किसी भी बैंक के पास होते हैं या फिर बैंक के अंदर होते हैं। जैसे कि आप किसी स्टेट बैंक के ब्रांच में जाएंगे तो आपको ब्रांच के पास उसका एटीएम जरूर दिखाई देगा, तो वो कहलाते हैं ऑन साइट एटीएम, जो बैंक की प्रीमिसेस में या फिर उसके पास पाए जाएंगे, ऐसे एटीएम ऑन साइट एटीएम। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ऑफ साइट एटीएम में कि ऑफ साइट एटीएम क्या होते हैं। देखिए ऐसे एटीएम जो बैंक के पास नहीं होते, या फिर ऐसे एटीएम जैसे जहाँ पे एटीएम है उसके पास वहाँ पे बैंक नहीं होगा, तो ऐसे एटीएम कहलाएंगे ऑफ साइट एटीएम। अब इससे फायदा क्या होता है ऑफ साइट एटीएम से, जैसे कि हर जगह तो बैंक ब्रांचेस हो नहीं सकती, तो एटीएम होने से बहुत सारे पर्सन्स को, लोगों को बैंकिंग की फैसिलिटीज प्रोवाइड हो जाती हैं, इसलिए ऑफ साइट एटीएम बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम मोबाइल एटीएम के बारे में जान लेते हैं कि मोबाइल एटीएम होता क्या है। देखिए जैसे कि मोबाइल को आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस को ले जा सकते हैं, ऐसे मोबाइल एटीएम होता है। मोबाइल एटीएम रिफर्स टू एन एटीएम दैट मूव्स इन वेरियस एरियाज फॉर द कस्टमर। ये मोबाइल एटीएम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं कस्टमर के लिए। कुछ बैंकों ने ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड की गई है, इन सर्विस जैसे फ्यू बैंक्स हैव इंट्रोड्यूस एटीएम ऑन व्हील्स, कुछ बैंकों ने प्रोवाइड की है ऐसी सर्विस एटीएम व्हील्स पे। अब सबसे पहला ऐसी सर्विस कौन से बैंक ने प्रोवाइड की थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि ऐसी सर्विस सबसे पहले किसने प्रोवाइड की थी, तो यहाँ से आंसर है आईसीआईसीआई बैंक ने आपको मोबाइल एटीएम की सर्विस प्रोवाइड की थी। अब यहाँ पे आपको यहाँ से एक फैक्ट ये भी पता होना चाहिए, इंडिया में एक तैरने वाला एटीएम भी है और वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, एसबीआई ने। केरल में एक नदी है, वहाँ पर एक नाव पर एसबीआई ने अपना एटीएम लगाया गया, जिसे आप जिसे तैरकर मतलब नाव चलाकर एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जा सकता है, तो उसे कहते हैं तैरने वाला एटीएम। चलिए नेक्स्ट हम वर्कसाइट एटीएम के बारे में जान लेते हैं कि वर्कसाइट एटीएम क्या होता है। देखिए ऐसे एटीएम जैसे बहुत बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो उन वर्कर्स की सुविधा के लिए वहाँ पे एक एटीएम इंस्टॉल करवा दिया जाता है, जिससे कि जब भी कभी वर्कर्स को मनी की जरूरत हो तो वो इस एटीएम के थ्रू ट्रांजेक्शन करके अपनी नीड्स को पूरा कर सके। तो ऐसे एटीएम जो वर्क साइट पे इंस्टॉल किए जाते हैं उन्हें कहते हैं वर्क साइट एटीएम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कुछ एटीएम्स के बारे में जान लेते हैं, जैसे ग्रीन लेवल एटीएम। ये एटीएम एग्रीकल्चर ट्रांजेक्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। देखिए तो एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर ट्रांजेक्शन की फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, तो ग्रीन लेवल एटीएम। ओके, जिन एटीएम के थ्रू शेयर ट्रांजेक्शन किए जाते हैं उन एटीएम को कहते हैं ऑरेंज लेवल एटीएम। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए, आप इसे एक जगह जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं। नेक्स्ट ई कॉमर्स के लिए येलो लेवल एटीएम एंड वुमेन बैंकिंग के लिए पिंक लेवल एटीएम। यहाँ से थे ये डिफरेंट टाइप के एटीएम। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चेक। यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स के चेक के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले हम चेक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जैसे कि चेक है क्या। चेक एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है दैट ऑर्डर्स अ बैंक, जो बैंकों को ऑर्डर करता है टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम अ पर्सन अकाउंट, कि वो पर्सन को जो चेक में अमाउंट लिखी है उसे पे कर दे। यहाँ पे तीन पार्टी होती हैं, ड्रॉयर, पेई और ड्रॉई। यहाँ पे ड्रॉयर जो जो चेक पे चेक लिखता है वो होता है ड्रॉयर, पेई जिसे पेमेंट किया जाता है, और ड्रॉई ड्रॉई हमेशा बैंक होता है जो पेमेंट करता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं चेक से रिलेटेड, जैसे कि चेक की फैसिलिटी सबसे पहले कौन से बैंक ने प्रोवाइड की। तो सबसे पहले चेक की फैसिलिटी बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने प्रोवाइड की थी, और ये जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब बना था, 1770 में बना था, और ये इंडिया का पहला फर्स्ट ज्वाइंट स्टॉक बैंक था। ओके, अब यहाँ पे एक बात आपको ये समझनी होगी, जैसे कि
1 अप्रैल 2012 से पहले जो भी चेक होते थे वो चेक पे लिखी डेट्स के 6 मंथ तक वैलिड होते थे, लेकिन 1 अप्रैल 2012 के बाद ये टाइम 3 मंथ्स कर दिया गया। कोई भी चेक चेक पे लिखी हुई डेट के 3 मंथ्स तक ही वैलिड होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के चेक देख लेते हैं कि चेक के प्रकार कौन कौन से हैं। जैसे कि हम इस वीडियो में बियर चेक के बारे में जानेंगे, ऑर्डर चेक के बारे में जानेंगे, क्रॉस चेक के बारे में जानेंगे, स्टेल चेक के बारे में जानेंगे, पोस्ट डेटेड चेक के बारे में जानेंगे और एंटी डेटेड चेक के बारे में जानेंगे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बियरर चेक के बारे में जान लेते हैं। देखिए, बियरर चेक वो होता है जिसका पेमेंट चेक ओनर को किया जाता है, मतलब जिसके नाम पे अकाउंट है उसी को उसका पेमेंट किया जाएगा। अब नॉर्मली अगर हम बात करें तो कैश ट्रांजेक्शन के लिए इन्हीं चेकों का यूज किया जाता है। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑर्डर चेक, कि ऑर्डर चेक होता क्या है। ऑर्डर चेक आर द चेक विच इज विड्रॉन फॉर द पे। ऐसे चेक जैसे कि हमें जिसे किसी अलग पर्सन को पे करना है उसके द्वारा विड्रॉन किए जाते हैं वो कहलाता है ऑर्डर चेक। मतलब किसी को हमने ऑर्डर किया है, बैंक को ऑर्डर दिया है कि आप इस चेक का पेमेंट पे को कर दें, तो ऐसे चेक कहलाएंगे ऑर्डर चेक। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रॉस चेक के बारे में, कि क्रॉस चेक क्या होते हैं। क्रॉस चेक आर दो चेक टू पैरेलल लाइन मेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ द चेक। देखिए, ऐसा चेक जिसके साइड में दो पैरेलल लाइन खींच दी जाती हैं वो चेक कहलाते हैं क्रॉस चेक। अब ये लाइनें क्यों खींची जाती हैं, इससे क्या होता है, जो चेक हो जाता है वो सेफ हो जाता है। अब इस चेक का पेमेंट एक तो कभी भी कैश में नहीं हो सकता और डायरेक्ट पे के अकाउंट में इस चेक का पेमेंट किया जाता है। इससे ये फायदा है, अगर आपका चेक खो जाता है तो अगर आप उसे बैंक में लेके जाते हैं फिर भी इसका पेमेंट पे ही के अकाउंट में होगा, आपको काउंटर पे इसका कैश नहीं मिलेगा। तो क्रॉस चेक से ये फायदे हैं। अब यहाँ पे भी क्रॉस चेक भी दो तीन टाइप के होते हैं। एक टाइप होता है स्पेशल क्रॉस चेक। उसमें यह होता है कि जो दो लाइनें खींची जाती हैं उसमें बैंक का नेम लिख दिया जाता है। अब जब बैंक का नेम लिख दिया जाता है, अब इस चेक का पेमेंट उसी बैंक के द्वारा किया जा सकता है, तो उसे कहते हैं स्पेशल क्रॉस चेक। चलिए आगे नेक्स्ट स्टेल चेक के बारे में पढ़ते हैं। स्टेल चेक वो होता है, इफ एनी चेक इश्यूड बाय अ होल्डर डज नॉट गेट विड्रॉन फॉर द बैंक टिल द 3 मंथ। देखिए, ऐसा चेक जैसे हमने किस पे को दे दिया है लेकिन पे ने उसे 3 मंथ्स तक पेमेंट करने के लिए बैंक में नहीं दिया, तो ऐसे चेक को हम कहेंगे स्टेल चेक। अब हमें यहाँ पे ये याद रखना होगा कि आप कोई भी चेक को बैंक में डालने के लिए वो चेक सिर्फ 3 मंथ तक वैलिड रहता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोस्ट डेट चेक के बारे में। इफ एनी चेक इश्यूड बाय अ होल्डर टू पे फॉर अपकमिंग विड्रॉल डेट देन द टाइप ऑफ चेक आर कॉल्ड पोस्ट डेट चेक। जैसे कि हमने किसी पर्सन को चेक दिया, अब वो उसे बाद में बैंक में पेमेंट करने के लिए देता है तो उस चेक को कहेंगे पोस्ट डेटेड चेक, लेकिन उस चेक को 3 मंथ से पहले ही बैंक में जमा करना होगा। फिर आता है एंटी डेटेड चेक। जैसे कि हमने किसी पर्सन को किया, किसी भी बिजनेसमैन को चेक दिया है, उसमें हमने डेट 1 महीने बाद की डाली है, लेकिन उस पर्सन ने उस चेक को 20 डेज बाद ही पेमेंट करने के लिए बैंक में दे दिया है, तो उस चेक को कहेंगे एंटी डेटेड चेक। मतलब ऐसा चेक जो डेट से पहले ही बैंक में पेमेंट करने के लिए दे दिया जाए उसे कहते हैं एंटी डेटेड चेक। चलिए, ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक। अब यहाँ से हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जिससे कि हमें एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए कि किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। द ड्रॉयर ऑफ अ चेक इज ऑलवेज, जो चेक लिखने वाला होता है, ड्रॉयर को कहते हैं चेक लिखने वाला, वो हमेशा कौन होगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि चेक लिखने वाला कौन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेटिंग अप ऑफ ATM वॉज रिकमेंडेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी। जो ATM था वो किस कमेटी के थ्रू आया था। तो देखिए, ये एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, रंगरा राजन कमेटी। तो यहाँ से आप इसे एक जगह नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा कि ATM किस कमेटी के थ्रू आया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अ चेक इज कंसिडर्ड एज अ स्टेल व्हेन इफ हैज बीन इन सर्कुलेटेड फॉर। चेक को स्टेल चेक कब माना जाएगा, जब चेक 3 मंथ्स तक बैंक में पेमेंट करने के लिए नहीं डाला जाता, तो 3 मंथ्स के बाद उस चेक को क्या माना जाएगा, स्टेल चेक माना जाएगा। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मोर देन 3 मंथ्स। अगर आप किसी चेक को 3 मंथ्स के बाद डालते हो तो वो चेक कौन सा कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, स्टेल चेक कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इंडियाज फर्स्ट कंपनी टू ओपन विद व्हाइट लेबल
एटीएम। जो व्हाइट लेवल एटीएम कौन सी कंपनी के द्वारा सबसे पहली बार इंडिया में खोला गया था? इसका आंसर मैंने अपने नोट्स में आपको दिया है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस एटीएम, ऐसा कौन सा बैंक था जिसने पहली बार एटीएम फैसिलिटी प्रोवाइड की? ये भी मैंने आपको बहुत क्लियरली अपने नोट्स में बताया है कि फर्स्ट बैंक कौन सा है। तो चलिए यहाँ से आप मुझे इसका ये आंसर लिख के बताइए और साथ में ये भी बताइए कि फर्स्ट मोबाइल एटीएम किसने स्टार्ट किया था, कौन से बैंक ने स्टार्ट किया था। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। When a bank return a check unpaid, it is called, जब कोई बैंक किसी चेक का पेमेंट किए बिना ही उसे वापस कर देता है तो उस चेक को हम क्या कहते हैं, डिसऑनर चेक। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि डिसऑनर क्या होता है, जब कोई बैंक किसी चेक का पेमेंट करने से मना कर देता है तो हम उस चेक को कहेंगे डिसऑनर चेक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डज एटीएम स्टैंड फॉर, यहाँ पे आपको एटीएम की फुल फॉर्म बतानी है। ये क्वेश्चन एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन बैंक ओन्ड एटीएम इज आल्सो कॉल्ड, जो एनबीएफसी होती है उनके द्वारा जो एटीएम खोला जाता है उसे हम क्या कहते हैं। इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, क्योंकि जब मैंने आपको एटीएम के डिफरेंट टाइप्स बताए थे तो बहुत क्लियरली बताया गया था कि एनबीएफसी कंपनी के द्वारा कौन से एटीएम खोले जाते हैं। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए आप करंट अफेयर्स फंडा के साथ बने रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।